मैं संजना, स्वागत है आप सभी का एशिया न्यूज इंडिया में। यात्री विमानों में खराबी आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले ढाई महीने में 16 फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कुछ लैंडिंग के बाद उड़ान ही नहीं भर सके। रविवार 17 जुलाई को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई। UAI के शारजहा से हैदराबाद के लिए उड़े इंडिगो के विमान की तकनीकी खराबी के बाद पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें पहले 5 जुलाई को भी स्पाइसजेट के विमान में खराबी आने के बाद कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। स्पाइसजेट का ये विमान दिल्ली से दुबई जा रहा था। 17 जुलाई को पाकिस्तान के कराची में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। शारजहा से हैदराबाद जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी। 2 सप्ताह में कराची में भारतीय विमान की ये दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग है। 15 जुलाई को शारजहा से कोची आ रहे एयर अरेबिया के विमान के हाइड्रोलिक में फेलियर के बाद फ्लाइट को तुरंत कोची एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में 222 यात्री और 7 क्रू मेंबर थे। 14 जुलाई को दिल्ली से वडोदरा जा रहे इंडिगो के विमान 6E859 की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन के इंजन में वाइब्रेशन होने के बाद लैंडिंग करवाई गई। 11 जुलाई को स्पाइसजेट की दुबई मदुरे बोइंग B737 MAX फ्लाइट के अगले पहिए में दुबई में खराबी आई। फ्लाइट के नोज व्हील पर सामान्य की तुलना में ज्यादा दबाव था, जिसके बाद दूसरी फ्लाइट मुंबई से दुबई भेजी गई। 6 जुलाई को विस्तारा की बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट UK 122 को तकनीकी खराबी के बाद सिंगल इंजन पर लैंड कराया। 5 जुलाई को रायपुर इंदौर इंडिगो उड़ान के केबिन क्रू ने 5 जुलाई को लैंडिंग के बाद टैक्सी इन के दौरान फ्लाइट के केबिन से धुआं निकलने की सूचना दी थी। स्पाइसजेट के Q400 विमान की विंडशील्ड में 23,000 फीट ऊंचाई पर दरार आ गया था। इसके बाद तत्काल कांडला मुंबई फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।